नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। यूपी के जालौन में वितवा नदी में अपने बच्चों के साथ नहाने गए युवक की नदी में डूबकर मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। मामला जालौन के कोटरा थाना क्षेत्र के ग्राम सैद नगर का है, जहां पर आज सुबह रामजीवन नाम का युवक अपने बच्चों व भतीजे के साथ गांव के पास से निकली वितवा नदी में नहाने के लिए गया हुआ था। जब वह अपने भतीजे के साथ नदी में नहा रहा था, तभी उसका भतीजा अचानक से नदी में डूबने लगा। उसको बचाने के चक्कर में युवक गहरे पानी में चला गया और डूब गया। वहीं जब इस घटना की सूचना उसके भतीजे ने ग्रामीणों को दी, तो मौके पर पहुंचे ग्रामीण ने उसको पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। युवक की मौत की खबर सुनकर घर में कोहराम मच गया। वहीं ग्रामीणों ने हादसे की सूचना कोटरा थाना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। वो सुबह सुबह नहाने के लिए अपने बच्चों के साथ गया था नदी में। जी, नदी में नहाने के चक्कर में उसके साथ में भतीजा भी था। भतीजा डूबने के कारण वो उसे बचाने के चक्कर में डूब गया, इसलिए उसकी मौत हो गई। अच्छा अच्छा, लगभग कितने सुबह की बात है? लगभग 9 बजे की। अच्छा, तो पंचनामा लिखवा दिया गया इसका? पंचनामा लिखवा दिया, पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं। किस गांव की घटना है? सैदनगर। अच्छा, बेतवा नदी? बेतवा नदी, थाना कोटरा। अच्छा, आपका उस लड़के से क्या संबंध है, आप उसके क्या लगते हैं? वो हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो हमारा जो चचेरे चाचा का लड़का है। अच्छा, और नाम उसका रामजीवन है। ठीक ठीक, पिताजी का नाम उसके? देवी दयाल। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।